करी है। अच्छा समझ में आ गया, तो अपने को आनंद आता है। ऐसी भक्तांबर में जो रहस्य भरा हुआ है उसके रहस्य को जानिए समझिए। आज का स्तोत्र है वो सम्मान सौभाग्य संवर्धक काव्य है और आपकी शक्ति की रक्षा करने वाला है, राज्य प्रधान करने वाला है और व्यसनी को निव्यस्ती बनाने वाला आज का स्तोत्र है। बहुत सुंदर स्तोत्र आज का है, हमारे साथ में आप समझ कर बोलेंगे। हर प्रकार की विजय इस स्तोत्र के माध्यम से मिलती है और अग्निशमन होता है, प्रतिद्वंदी का अवरोधन होता है। ये श्लोक नंबर 16 है, हमारे साथ में आप सब बोलेंगे। बोलिए निर्धूम, बोलो भाई निर्धूम। सही बात है, हाँ पूरा पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे थोड़ा अर्थ समझा देंगे। सुनो है ना, निर्धूम वर्ती रप वर्जित तैल पुरहा कृष्णम जगत्त्रय विदम प्रकटी करोषि गम्योना न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस्पर मसी नाथ जगत प्रकाशः निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्तमसि नाथ जगत् प्रकाशः यहाँ मानकुंगाचार्य भगवान ने भगवान आदिनाथ की उपमा अपने प्रभु की उपमा एक दीप के साथ में तुलना की है। तुलना कि दीप कैसा है और आप कैसे है। वो कहते हैं हे भगवान हे नाथ त्वम आप निर्धूम वर्ती धुआं और बत्ती से रहित हो, ना आप में धुआं निकलता है ना आपकी बत्ती है। अब वर्जित तेल पूरा और तेल से भी रहित हो, लवालब तेल से रहित हो, पर अपरहा अनुपम दीपा दीपक असी हो इदम इस कृष्णम समस्त जगत त्रयम तीन जगत को प्रकटी करोषि प्रकाशित करने वाले हो और चलिता चलानाम जो अचल है ऐसे अचल पर्वतों को चलायमान करने वाली मरुताम वायु के जातु सर्वथा न गम्य अगम्य जगत प्रकाश जगत को प्रकाशित करने वाले हो हे परम ज्योति देव। संसार में जो दीप होता है उस दीपक से वो दीपक जो होता है वो बिना बत्ती के नहीं लगता है। दीपक के लिए तेल भी चाहिए बत्ती भी चाहिए और जहां दीप जलता है वो दीप नियम से धुआं छोड़ता है, कुछ ना कुछ धुआं वहां पर निकलता है कि लेकिन हे नाथ संसार में जितने भी ज्ञानी हैं उनमें भी धुआं निकलता है। हाँ संसार में जितने ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों में अहंकार का धुआं निकलता है, ज्ञान का घमंड लेकर जो बैठे हुए हैं पांडित्य ज्ञान लेकर बैठे हैं उनमें अहंकार भरा हुआ है, उनमें ईर्ष्या भरी हुई है, उनमें मद भरा हुआ है, लेकिन हे नाथ आप में धुआं नहीं निकलता है। आपको न बत्ती की आवश्यकता है न तेल की आवश्यकता है और धुआं कभी निकलता नहीं है क्योंकि आपने पहले धुएं को नष्ट कर दिया, आपने संपूर्ण कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, इसलिए केवल ज्ञान के दीपक को कोई धुएं की आवश्यकता नहीं है, कोई तेल की बत्ती की आवश्यकता नहीं है, किसी से जलने की आवश्यकता नहीं है और कितनी ही वायु जाए उस वायु से भी आप कभी खंडित होने वाले नहीं हो। वायु से आप बुझते नहीं, उस संसार में जो दीपक होते हैं वो तो थोड़ी देर में बुझ जाते हैं, हल्की हवा चली बुझ जाते हैं, लेकिन आपको कोई हवा का झोंका आपको बुझा नहीं सकता। महानुभव ऐसे ही हमको अपना आत्मदीप जलाना है,
ऐसा दीप लगाना है, ऐसा ज्ञान का प्रकाश अपना जगाना है जिससे कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। इस मंत्र के जाप से बहुत सारे अनेक फायदे होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान ने ज्ञान हमारा कैसा होना चाहिए, हमें ज्ञान पाना चाहिए, पर ज्ञान का कभी अहंकार कभी घमंड नहीं होना चाहिए। और जितना ज्ञान हम पाते हैं उस ज्ञान को बांटते रहिए, लुटाते रहिए, जितना आप देंगे वो घटेगा नहीं। ज्ञान देने से और बढ़ता है, जितना आप ज्ञान दोगे उससे अपने ही अज्ञान का नाश होगा और सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा निरंतर आपके लिए ये विधान, पूजन और प्रवचन, स्वाध्याय निरंतर करा रहे हैं। आपके लिए इसलिए हम बैठ रहे हैं कि पता नहीं किस मंत्र से किस जीव कल्याण हो जाए, संसार के प्राणी मंत्र कल्याण हो, अमंगल दूर हो, संकट दूर हो, पीड़ाएं बाधाएं दूर हो। हम लोग बैठ रहे हैं और ये जो मंत्र आज का है, ये मंत्र के जाप करने से सब प्रकार की विजय होती है और अग्निशमन होता है, प्रतिद्वंदी का विरोध होता है। इसका मंत्र बोलिए, ओम ह्रीम अरहम नमो चौदस कुबीरम, ओम ह्रीम अरहम नमो चौदस कुबीरम, ओम ह्रीम अरहम नमो चौदस कुबीरम सम सम महा स्वाहा। इस मंत्र के जाप से अग्नि का शमन होता है और इस मंत्र से जो प्रतिवादी प्रतिद्वंदी हैं वो शांत हो जाते हैं। वह है ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समीहितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। जो यंत्र है इस यंत्र को विराजमान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके और हरे रंग के कपड़े पहन करके, पद्मासन से पूर्व की ओर मुख करके बैठकर 9 दिन तक रोज हरे रंग की माला से इस 16वें काव्य की और इसके रिद्धि मंत्र का जाप यदि किया जाता है, कम से कम 10-10 मालाएं जाप की जाती हैं, जिसके जाप करने से अग्नि शांत होती है, प्रतिद्वंदी शांत होता है, समृद्धि बढ़ती है और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। जो भी कानूनी अड़चनों में है, कोर्ट के झगड़ों में है, वह अवश्य में 16 नंबर का स्तोत्र पाठ करते जाएं। पहले सबसे पहले आपका सत्य पक्ष होना चाहिए, न्याय पक्ष आपका होना चाहिए। आप किसी साथ अन्याय ना करें, किसी के ऊपर अत्याचार ना करें। और यदि आपके ऊपर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको कोर्ट में घसीट रहा है, तो आप 16 नंबर का स्तोत्र यदि आप पाठ और जाप करते हैं तो आप इस बाधाओं से बच सकते हैं। बस ये इसका अर्थ है, उसका आप करते जाइए। आइए अब हम चलेंगे अगले पूरे भक्तमय पाठ की ओर। आप सब महान भाव जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आपको शुद्ध हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ आदिनाथ भगवान की जय, मान तुंगाचार्य महामंडराज की जय, भक्तांबर स्तोत्र की जय। चलिए अब आप धूप चढ़ाते जाइए और सुहा बोलते जाइए, दीप लगाते जाइए। मैं चाहूंगा कि संपूर्ण जितने 174 डिवाइस यहाँ पर हैं, वे सब के सब रोज शाम के टाइम पर अब तैयारी कर ले, बढ़िया सुंदर सा मंडलाई बनाइए विधान का। अभी जो है शाह जो है हमारे मुंबई से, उन्होंने लिखा है कि ये वाला शांति विधान हमने पहली बार किया है और सपना अनिश जैन आरासम लिखा है कि गुरुदेव आपके आसानिध्य में आने से हमारा जीवन धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये शांति विधान हम लोगों ने इसलिए शॉर्ट में लिखा है क्योंकि शॉर्ट का जमाना है। देखो आप पहले जो मतलब एक मैच की अपेक्षा में बात करें, या पहले जब शादी होती थी ना, शादियां, तो शादी होने पर जहां शादी की बारात जाती थी वो कई बार पहले पहले साल साल भर शादी के बाद भेज पूरी बारात वहां रहती थी। आप पढ़ो पुराण के अंदर ऐसा आता है, साल साल भर पूरी बारात आती थी, उसके बाद में समय आया और फिर जो है महीने भर की बारात हो गई, उसके बाद में शादी के 7 दिन हो गए, अब शादी के 3 दिन हुए और अब के कोरोना काल में तो जाते हैं माला पहनाते हैं। अभी अभी कुछ 15 दिन पहले हमारे यहाँ पर धर्म तीर्थ पर हमको मालूम ही नहीं है, मात्र 5 मिनट में शादी हो गई। 5 मिनट में पंडित जी खड़े, पंडित जी को किसने काम में नहीं लिया, बस वरवधु आए, एक ने एक को तिलक किया, एक ने माला पहनाई, जिसने माला पहनाई उसने मांग भरी, हो गई शादी, इतने में शादी हो गई। और जैन परिवार, दिगंबर जैन परिवार, एक भुसावल से और एक सूरत से,
पहले भी नहीं खाया उन्होंने, वैसे से शादी हो गई, बस ऐसा भी होता है। तो इसीलिए आज का जमाना शर्ट का आ गया है, बिल्कुल शर्ट में। पहले टेस्ट मिस होता था, फिर वनडे में चाहे 20-20 आ गया, 20-20 का हो गया। अब ऐसे ही अभी जो बड़े बड़े विधान थे महीने भर के होते थे, फिर 10 दिन के हुए, 8 दिन की 16 दिन का है, लेकिन 128 दिन से मात्र 48 का रख दिया, तो इतने में आपका काम हो जाए, शॉर्ट में हो जाए, है लेकिन पूरा उसी के अंदर पूरी पूरी भक्ति उसमें आती है। तो आइए अपन चलते हैं स्तोत्र की ओर। कामर प्रणत मोली मणि प्रभाण उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम संस्तुत सकवामयतत्वबोध दुद्भूत बुद्धि पटु भीसुर लोकनाथ। ओम भीम प्रणव ओहिद्रम प्रणव बुद्ध्या विना विबुदार्चित पाद पीठ स्तुतम समुद्यत मतिर्विगत द्रपोहम। हाँ, और भी जो चैत्यालय हैं और जहां जहां धूप लगाई जा रही है, दीप लगाया जा रहा हो यदि, तो आप उनको भी ले सकते हैं। भक्तों गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमो विबुध्या। ओम भीम प्रणव सबो जनम सुहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। ओम भीम प्रणव अणंतो हि जनम श्रण्मः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। ओम भीम प्रणव ओठ बुद्धि श्रण्मः तस्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षय मुपेति शरीर भाजाम। ओम भीम प्रणव विभ्रणवः मत्प्रीतिनाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्य ते तनुधियापि तव प्रभावात्। ओम भीम प्रणव पदम श्रणुमः आस्तां तवस्त वनमस्त समस्त दोषं तस्संखथापि जगतां दुरितानि हन्ति। ओम भीम प्रणव संभिन्न सुदृढं श्रणुमः नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणेर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः। ओम भीम प्रणव स्वयं बुद्धिर्नमः दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु। ओम नृपतिर्नमः शान्तिराग रुचिभि परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत। ओम भूभुवनः वक्त्रं क्वति सुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम्।
ओम भीमहर्णमो ऋजुवृणमः संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणा त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ओम भीमहर्णमो विभुवृणमः चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नितं मनाग पिमनो न विकार मार्गम् कल्पांते काल मरुता चलिता चलेन ओम भीमहर्णमो दस्पुर्णमः निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि ओम चतुर्जुणमः नास्तं कदाचिदुपयासीन राहुगम्यं स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति ओम भीमहर्णमो अष्टांग महानिवृत्त कुसुमहर्णमः नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं नराहु वदनस्य नवारिदानां ओम भीमहर्णमः शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ ओम भीमृणो विद्याहरणमः ज्ञानं यथा तै विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ॐ भीमहर्णमो चारणं शृण्वः मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता ॐ भीमहर्णमो आगास्कवृणमः कामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस आदित्यवर्णमगं तमसः पुरस्तात् ॐ भीमहर्णमो आसि विषमहर्णमः त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनन्दकेतुम् ॐ भीमहर्णमो दिट्ठिविश्रं शृण्वः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् तं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्करत्वात् ॐ भीमहर्णमो उद्गतं शृण्वः तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय ॐ भ्रुतृणृण्मः भुवेस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे तं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ॐ भीमहर्णमो तत्त्वमृणमः उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख
भवति रूपम अमरं भवतो नितांतम सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् ॐ भीमृणमो घोरतवणृणमः कुन्दावदात चलचामर चारुशोभम् विभ्राजति तव वपुः कलधौतकान्तम् ॐ भीमृणमं घोर्णृण्मः क्षत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुचेस्ततं स्थगितभानुकरप्रतापम् ओम रघुर्वृण्मः गंभीरतारर वपूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः ओम रघुर्वृण्मः मंदार सुंदर नमीरु सुपारिजात संतान कार्य कुसुमोत्कर वृष्टिरोद्धा ओम भीमृणमो आमोसे पतंजलिमः शुंभत्रभावदय भूरि विभावि भोस्ते लोकत्रये ज्युतिमतां ज्युतिमाक्षिपन्ति ओम भीमृणमो खिल्लो से पतंजलिमः स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठः सद्धर्म तत्व कथनेक पटु त्रिलोक्यः ओम भीमृणमो जल्लो से पतंजलिमः उन्नीत्रहेम नवपंकज पुंज कांति पर्योल्लसन्नखमयोख शिखाभिरामो ओम भीमृणमो विप्रो सहि पतंजलिमः इत्थं यथा तव विभो तिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेश न विधौ न तथा परस्य स्तुतन्मदाविलविलोल कपोल मूल मत भ्रम भ्रमरणाद विवृद्ध कोपम् ॐ भीमृणमो मण प्रणृण्मः विनेव कुम्भगल दुर्गल शोणितात् मुक्त फल प्रकर भूषित भूमि भावः ॐ भीमृणमो वचि प्रणृण्मः कल्पांत काल पवनोद्धत वन्निकल्पम् दावानलं ज्वलित मूर्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् ॐ भीमृणमो कायवृणृण्मः रक्तीक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम् ॐ भीमृणमो क्षीरसृणृण्मः वल्गतुरङ्ग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ॐ भीमृणमो सप्रणृण्मः
कौणित बारी बाहा अवतार तरणातुर योद्ध भीमे भीषण नाटी ने पीठ भय दो बड़े बाढ़ भागो ओम महाभूत भीषण जलोदर भार भोगना शुचाम दशाम गुत जीविता ओम भीमरण अखीण महान संग्रण आपादे कंठ मुरुशंखल बेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्नि गढ़कोटिनि भ्रष्ट जंघा ओम दिपेन्द्र मृगराज दवा नलाहि संग्राम वारी दिमहोदर बंदनोतम ओम रोड़ तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा समुपेति लक्ष्मी ओम ओम नमो भैवदो हाँ शांति मंत्र का जाप करेंगे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय श्री भद्र शांति गृहिण्वा स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय श्री भद्र शांति गृहिण्वा स्वाहा गंधर्व मंत्र का जाप करेंगे रिधि मंत्र के साथ में ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम ह्रीं वरं मस्याउ स नमः झं झं स्वाहा ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा ओम नमो अर्हते ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा हाँ दोनों बार मंत्र जापेंगे ओम नमो गुरुहंताणं स्वाहा 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 ओम ह्रीं सिद्धाणं 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 स्वाहा ओम ह्रीं आर्याणं स्वाहा ओम ह्रीं आर्याणं स्वाहा
ओम नमो हरिहंता शीर्ष रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा ओम नमो सज्जन मुखम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा ओम नमो आयर्याण अंगम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा ओम नमो ओझण भुजाभ्यम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा ओम नमो लोय सुषण पाद रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा नमो हरिहंता नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओझण नमो लोय सुषण सर्वांगम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। सुबह के विधान में आपका ओरा क्लीन होता है और अभी हम लोग मंत्र से आपको रक्षा कवच देते हैं, तो आप भी जितने लोग यहाँ पर हैं मेरी ओर से आप नियम लेकर जाएं, आप स्वयं नियम से सुबह 7 बजे विधान में आप सम्मिलित होवे और अपनी ओर से 2 जनों को और जोड़ने का प्रयास करें, कम से कम 2 लोगों को और आपको जोड़ना है जिससे आपको और ज्ञानदायक का फल मिले, आपके घर में शांति हो। अब आपके लिए ज्ञान का मंत्र सरस्वती का मंत्र दिया जा रहा है और आपके पाप का नाश के मंत्र दिया जा रहा है। ओम ह्रीम अरण कमलवासिनी पापात्मक शंकर शुद्ध ज्ञान प्रदा सत्य सरस्वती मम पापम हन हन दह दह पच पच क्षाम क्षीम क्षुण क्षुणे अमृत संभवे अमृतम श्रावये श्रावये पट स्वाहा। आपका रक्षा कवच मंत्र से बन रहा है। ओम नमो भयवदो वड्डमानस्य ऋषस्य चक्कम जलंतम गच्छै आयासम पायानम् जय बाणव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 ाण
जय गुरु श्री आदिनाथ भगवान की जय। मां गंगाचार महामहाराज की जय। भक्तमर स्तोत्र की जय। शांतिनाथ विधान की जय। पूज्यपाद महामहाराज की जय। आज दोपहर में एक मीटिंग हम लोग की हुई थी यहाँ पर, और इसमें हमारे मिट्टी भाई ने बताया कि लगभग 250 लोगों ने फार्म भरे हैं, जिसमें करीबन लगभग कम से कम 100 महिला मंडलों के नाम आ चुके हैं। नवयुवक मंडल, बालिका मंडल और अपेक्षित हैं। तो नवयुवक मंडल को ही मौका है, बालिका मंडल को मौका है। आप सब जितने महान भाव हैं, हमारे गुरुदेव जो गुरुनाम गुरु हैं, आज की पीढ़ी हमारे गुरुदेव की चल रही है, ऐसे महान आचार्य जिन्होंने इस संसार में सबसे अधिक आचार्य दिए, सबसे अधिक मुनि दिए हैं, गण्य आरिका माताएं दी हैं, आरिका माताएं दी हैं, मुनिराज दिए हैं, ऐसे संसार को जिन्होंने दिया है, अनेक तीर्थों का जिन्होंने उद्धार किया है, तीर्थों का निर्माण कराया है, ऐसे जंगम और चलतों का निर्माण करने वाले, चलते फिरते भगवान का निर्माण करने वाले दिवाही देव हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान श्री कृष्ण सागर जी गुरुदेव, उनका 75 अमृत महोत्सव जो आ रहा है, इस महोत्सव में चाहूंगा कि छोटे बड़े महिला पुरुष बालक बालिका सब भाग ले। आपकी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति मैं अभी देख रहा हूँ कि आज बहुत सुंदर ढंग से 44
प्रमोद साउदी अंबड़ के अंदर में क्या सुंदर मंडला उन्होंने बनाया, प्राचीन सुंदर स्वाम बनाया और बहुत सुंदर दीप लगा करके आज भक्तांबर का सुंदर सा पाठ किया। वहीं ऋतिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि वीरेंद्र के सौजी परिवार अपने सुंदर दीप जला करके पुण्य संचय किया है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। धर्म तीर्थ पर दिनेश भैया, ललित भैया, पंडित जी, दीपचंद जी, रविमा, ये सब जाकर के भारती वगैरह वहां पर जाकर ठाट बाट से हवन कर रहे हैं। मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। और आपसे जितने भी लोग हैं अभी 16 दिन तक रोज अपने अपने घरों में दीप आपको लगाना है, हवन करते जाना है। और जिनने भी अभी भाग नहीं लिया हो, करीब करीब 60 ग्रह चैत्यालय के नाम आ चुके हैं, जबकि हम 75 ग्रह चैत्यालय लेना है, 75 दिन मंदिर, 75 तीर्थ क्षेत्रों का हमें एक साथ में भगवान का अभिषेक दिखाना है। तो अभी जो भी जिन चित्र जुड़े हुए हैं, मंत्र जुड़े हुए हैं, अपने अपने मंदिर के नाम फार्म भर देवे, ग्रह चैत्यालय का फार्म भर दीजिए। और हम चाहेंगे कि सुबह सारी मंदिर कमेटियां, अध्यक्ष मंत्री, मंदिर का पूरा मंडल, सारे पंचायत मिलकर के सुबह से भगवान का विशेष शांतारा करें। दोपहर 12 से 5 के बीच के अंदर में पहले आचार्य भगवान का विधान होगा, तब 75 महिला मंडल और संपूर्ण माताओं के द्वारा, श्रव श्रवकों द्वारा विधान संपन्न होगा, वो आपको करना है। इसके पश्चात जब जयमाला होगी तब जयमाला में हमारे जो अम्मा जी बैठी हुई यहाँ पर, सुदेश नाम है उनका, शायद क्या नाम है दादी की माँ का, कृष्ण माता जी की बहन करम के नीलम नाम है, नीलम जी उनके पोतों ने भेजा है कि गुरुदेव ये बात विधान पहली बार किया है, अच्छा लगा है। अच्छा, ऋतिक को पुष्पांजलि और वीरेंद्र गिरीसा उनकी मम्मी को बहुत अच्छा लगा है, आनंद उनको आया है। तो ऐसे आप लोग रोज दीप जलाइए। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो दोपहर विधान रहेगा तो दोपहर में एक बार पूरा मौका मिलेगा महिला मंडलों को, माताओं को मिलेगा। फिर जब जयमाला होगी तब जयमाला के समय संपूर्ण युवाओं को, मंडलों को मौका मिलेगा, आप आचार्य भक्ति कीजिए, खूब नृत्य कीजिए, उसमें 8 साल के बच्चों से लेकर आगे तक जो भी नवयुवक में शामिल हो सकते हैं। और जब आचार्य भगवान की आरती होगी तो आरती के समय संपूर्ण बालिका मंडल, नवयुवती मंडल, उनको भाग लेना है। सबसे पहले आपको ये करना है, रात का प्रोग्राम बाद में है, पहले आप दोपहर के विधान में, क्योंकि दोपहर का जो विधान है ये पारस और जिनवाणी चैनल के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, उसमें जैनम चैनल, धर्मतीर्थ चैनल, नवग्रह चैनल, सब पर एक साथ प्रसारित होगा। यूट्यूब पर भी लाइव टाइम रहेगा और फेसबुक पर ऊपर देखा जाएगा, हजारों लाखों लोग इस विधान को देखेंगे। तो आप सभी उसमें स्पॉटलाइट होंगे। जिनका ग्रह चैत्यालय का फॉर्म भरा होगा, आपने अपनी डिवाइस उसमें लिखती होगी, तो आपकी डिवाइस को हमारे मिट्टी भैया और श्रेयांश खबड़े, मयूरी सेठी, धीरज कासरीवाल, राहुल साहू जी, ये सब हमारी टेक्निकल टीम है, नितिन जी नखाते, ये सब मिलकर के आपको स्पॉट मिलेंगे और आपको दिखलाएंगे। और जो यहाँ से स्पॉट पे होगा वही जिनवाणी पारस पे जाने वाला है। तो आप सभी अपने अपने फॉर्म भर दीजिए जिससे आपको लिया जावे, जिसके भी ग्रह चैत्यालय है और जितने भी जिन मंदिर हैं। मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे, लगभग अभी 200 के आसपास डिवाइस यहाँ पर हैं, तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि अपने अपने मंदिर का फॉर्म आप भर दीजिए, मंदिरों के फार्म भर देवे, ग्रह चैत्यालय के फार्म भर दीजिए, आपका नाम डाल दीजिए, जिससे आपको मौका मिल पाए उसका लाभ लीजिए। सभी उड़कर पुण्य संचय करें। और कल ध्यान दें, कल बुधवार है, तो बुधवार को आपकी बुद्धि का विकास, आपके व्यापार की वृद्धि, लक्ष्मी समृद्धि, उसका विशेष अनुष्ठान कल का रहेगा। तो आप सभी बुधवार को हरे कपड़े पहन करके 48 अर्घ चढ़ाने के लिए सुंदर सरग ले लीजिए, उसमें एक्स्ट्रा के रूप में हरे फूल फल, नैवेद्य मिठाई झंडी, हरा पान, हरा श्रीफल, हरे फल, हुड़ा और माला आदि आप लेकर के, हरी झंडी लेकर के और हरी मूंग और हरा धना जो आता है सूखा वाला, वो लेकर के आप आए, तो उससे आपका कल सुबह कर्ज मुक्ति, कर्ज से मुक्ति मिले और जो तुम्हारा कर्ज डूब रहा है, उधार दिया, वो भी आपको निकल करके आ जाए, ये समस्या का समाधान हो जाए, घर में सबकी बुद्धि का विकास हो जाए, इसका विशेष तंत्र प्रयोग कल के विधान में रहेगा। तो आप विधान भी कीजिए, साथ में उसका लाभ लीजिए। मेरे सबको आशीर्वाद करेंगे आप आरती। बोलो श्री चौबीस भगवान की जय। हाँ है, कल के 14 में हमारे जो है वो रहेंगे, जो आपको नाम दिया गया उसके अनुसार तारीख बाई तारीख हमारे हैं, मैं आपको और बता दूंगा। हाँ, आरती कीजिए पहले मयूरी। जय बोलो इच्छा पूर्वक आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। लगीमा यदि उधर हो या दिनेश भैया, तो प्लीज डिवाइस भगवान जी के यहाँ पे लेके जाइए ना। दिनेश भैया, ललित, कोई भी हो तो डिवाइस को भगवान के पास ले जाओ। पंडित जी।